नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 सितंबर 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास में आज जो इश्यूज हैं उनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई अभी समरकंद में, उसके क्या आउटकम्स हैं, क्या कंसर्न्स थे इंडिया चाइना के, वो समझेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि जो चीताज का जो ट्रांस लोकेशन किया गया है नामीबिया से लाकर के इंडिया में, तो उसके मतलब अभी तक हमने सारे प्लस पॉइंट्स तो देख लिए हैं, एक्सप्लेन पेज पे भी देखी है, न्यूज़ भी देख ली, ठीक है, बट अभी कुछ कंसर्न्स हैं साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के, तो वो हम जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे इशू कि भाई इन्फ्लेशन जो है अभी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या करने की ज़रूरत है। सवाल ये आता है कि इन्फ्लेशन टैकल करने में केवल मॉनेटरी पॉलिसी ही काम कर जाएगी या कुछ और भी, तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन को टैकल करना पॉसिबल हो सकता है। तो ये तीन इश्यूज हैं, देखते हैं इनको। फर्स्ट समरकंद चरण, देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समरकंद में मीटिंग हुई पिछले हफ्ते में, 22वीं मीटिंग थी और इंडिया ने देखो अब चेयर अपने हाथों में ले लिया। कुल मिलाकर के अब इंडिया प्रिजाइड करेगा आने वाले एक साल के लिए, ठीक है, SCO को। ओके, अब इसके लिए आगे देखी जाए बात, तो रशिया ने देखो जिस तरीके से इन्वेड किया है यूक्रेन को, तब से लेकर कंसर्न्स तो बहुत सारे हैं। हमें पता है इसका कि इस इन्वेजन का इम्पैक्ट यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है, ठीक है, पर ज़्यादा जो असर है वो कहाँ पर रहेगा, वहाँ के पड़ोस में। यूक्रेन USSR का पार्ट था और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिस्तान्स हैं, कौन से, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। ओके, वैसे देखा जाए तो चाइना और इंडिया दोनों ने अपनी, मतलब चाइना और रशिया, इन दोनों की देखो हमेशा से डोमिनेंस रही है अगर हम बात करें SCO में, राइट, पर इंडिया के लिए चैलेंज जो रहा है वो मेनली क्या रहा है, चाइना। पर फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करके इंडिया ने दोनों के डोमिनेंस को टैकल कर रखा है, राइट। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो परिस्थितियाँ अभी यूक्रेन में बनी हुई है वो देखो अनफॉर्चुनेट तो हैं, नो डाउट, बट अभी सेंट्रल एशियन बोलो या फिर जो यूरेशियन रीजन है वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, पर उस अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कनेक्टिविटी, क्योंकि जब सेंट्रल एशियन या फिर यूरेशियन रीजन की हम बात करें तो वहाँ पर कनेक्टिविटी देने के लिए अभी हमारे पास में जो ऑप्शंस रहते हैं उनमें एक तो पाकिस्तान के थ्रू रहता है और दूसरा रहता है आपके ईरान का जो चाबार पोर्ट हमने डेवलप किया उधर से। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान तो देखो हमें बिल्कुल भी ट्रांजिट दे नहीं रहा है, तो ऐसे में हमारे पास में ऑप्शन बच गया क्या, ईरान का। इसीलिए ईरान को जो अब मेंबरशिप मिल गई है, अभी लेटेस्ट जो SCO का परमानेंट मेंबर कौन बना है, ईरान, टोटल 9 मेंबर्स हो गए हैं, पहले 8 ही थे अब 9 हो गए हैं, तो ईरान को इंट्रोड्यूस करने का एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के थ्रू सीधा सेंट्रल एशियन कंट्रीज या फिर यूरेशियन रीजन को एक्सेस किया जा सकता है ईरान के थ्रू, और ईरान की बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से भी कनेक्ट होती है, और साथ में पाकिस्तान का कोई लेना देना फिर रहेगा नहीं अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पॉइंट अगर नज़र डालें। अब देखो बात ऐसी है कि जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया ना, तब से चाइना ने अपनी तरफ से, वैसे तो आपको पता ही है कि चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे उनमें अलायंस विदाउट लिमिट समथिंग करके ओपनिंग स्टेटमेंट भी हुए थे कि हाँ जी हम साथ देंगे पूरा, बाकी तो आपको पता है कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया गया था अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे US हो गया, इवन इंडिया के द्वारा भी डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया गया था क्योंकि हमारे यहाँ पर सीधा एग्रेशन दिखाया चाइना ने, ठीक है, LAC का क्रॉस। तो ऐसी परिस्थितियों में रशिया और चाइना की रिलेशनशिप एकदम ओपन अप होकर के आई, पर सच बात तो ये है कि जब से रशिया ने अटैक किया ना यूक्रेन में, तब से एक होता है ना ओपन, एक सपोर्ट होना चाहिए, मिलिट्री जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए चाइना की तरफ से वो मिलिट्री असिस्टेंस चाइना ने भी नहीं दी, क्योंकि चाइना भी कंसर्न है इस चीज़ को लेकर के कि रशिया ने जिस तरीके से इन्वेड किया है वो इन्वेजन जो एक चाइना की एक कहते हैं ना कि एक्सेप्टेबिलिटी है उसके ऊपर सवाल उठाती है। क्यों, आज आपको पता है कि चाइना को कोई भी अगर एक्सेप्ट कर रहा है दूसरा कोई कंट्री तो केवल इसके पैसे के दम पे हो रहा है, बाकी वैसे सॉफ्ट पावर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाइना की रेपुटेशन बहुत हद तक डेंट हो चुकी है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना का रशिया का सपोर्ट करना और रशिया का यूक्रेन में अटैक करना,
तो ये चीज़ें क्या शो करती है कि चाइना जो है वो बिल्कुल भी शांति नहीं चाहता पूरी दुनिया में। तो ये कंसर्न रह गया किसका, चाइना का। हमारे कंसर्न आपको पता है ही कि भाई सबसे पहला कंसर्न तो ये है कि भाई यूक्रेन में जब से आपने अटैक किया है तब से हमारे यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आने की वजह से महंगाई बढ़ गई है। इसके अलावा देखा जाए तो एक सोवरन कंट्री की सोवरेनिटी को अगर कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए हम देखें तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि फिर कल को ना चाइना हम पे अटैक करे तो कोई हमें डिफेंड नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत हद तक हमारा जो रास्ता अख्तियार किया था वो न्यूट्रैलिटी के बेसिस पे किया, क्योंकि रशिया से एक तो हमें सस्ता तेल खरीदना था, कारण कि तेल अगर हम रशिया से नहीं खरीदते तो हमारे महंगाई जो अभी 7% पहुंची अगस्त में, ये शायद 10-15% 12% तक पहुंच जाती, जो कि हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलों का कारण बन सकता था। दूसरी तरफ अगर देखें कि अगर 100% रशिया की तरफ हो जाते तो भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में हमारे जो रिलेशनशिप सुधरे हैं वो बिगड़ जाते। तो हमारी तरफ से जो स्टैंड था न्यूट्रैलिटी का, पर एक चीज़ थी कि इंडिया साइलेंट था अब तक, पर अब इंडिया ने अपनी पोजीशन को रिकैलिब्रेट करना शुरू कर दिया, जिसको वेस्टर्न सोसाइटी ने भी रिकॉग्नाइज किया है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जब SCO की साइडलाइन में व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी की जब मीटिंग होती है तो हमारी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड डेमोक्रेसी, ये 3D कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ही एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है वर्ल्ड पीस को कंटिन्यू करने में। और जवाब में हमें जवाब क्या मिला पुतिन की तरफ से, कि मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि ये युद्ध खत्म हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंडिया की रेलेवेंस को और ज़्यादा बनाती हैं। अब देखो, ये तो हमें पता ही है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़े बड़े जो आसपास के कंट्रीज हैं उनके लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन चुका है। पर फिर भी अगर देखा जाए तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं ना, वो तो देखो परेशानी में है ही, क्योंकि यूक्रेन भी USSR का पार्टी हुआ करता था। रशिया ने अटैक क्यों किया कि नेटो यहाँ तक एक्सटेंड ना कर जाए। यूक्रेन की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिख रही है दबाव के बेसिस पे, वो बात अलग है कि अब रशिया धीरे धीरे बैकफुट पे जा रहा है या फिर जानबूझ के जा रहा है, या फिर यूक्रेन की जो फोर्सेज हैं वो लड़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं। तो इस चीज़ से जो सोवियत यूनियन से निकले हुए रिपब्लिक्स हैं, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये भी इस चीज़ को लेकर के टेंशन में है कि आज यूक्रेन के साथ हुआ है कल को ना हमारे साथ भी हो सकता है। तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के अपनी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि हम कहीं 100% रशिया पे रिलाई कर गए तो कल को ना रशिया हमें भी डरा धमका सकता है। इसीलिए चाइना, तुर्की और अब इंडिया, इन तीनों के साथ में अपनी एंगेजमेंट रखना चाहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, क्योंकि हर एक कंट्री अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन रखना चाहता है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहता। और वो भी इस तरीके से, तो जैसे कि रशिया ने जैसे अटैक करके यूक्रेन को प्रेशराइज करने की कोशिश की है, तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। अब देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपनी तरफ से देखा जाए ना तो यूरेशियन रीजन में पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए हमेशा से कोशिशें की हैं। इवन हमारे सामने प्रॉब्लम क्या रहती है कि भाई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए क्या रास्ता निकाला गया है सेंट्रल एशिया या फिर यूरेशियन रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर। तो इसके थ्रू थोड़ा सा एक ऑप्शन निकल रहा है ईरान के थ्रू, जो हम निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात देखो, हमारा कनेक्टिविटी का जो ऑप्शन था उसको हमने इंश्योर करने के लिए क्या किया, ईरान की मेंबरशिप हो रही है तो उसके थ्रू हो सकती है। और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में थोड़ा ठीक सेटलमेंट होता है, वैसे लगता नहीं है दूर दूर तक इन दोनों के बीच में कुछ सेटलमेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान के आने के बाद में पाकिस्तान पे अटैक्स हो रहे हैं वो लगता नहीं है कि शांति स्थापित होने देगा। अभी पाकिस्तान इंडिया टेंशन जो है वो तो देखो कहीं ना कहीं कहते ना साइड हो गई है, अभी टेंशन राइज हो रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डुरंट लाइन के अक्रॉस। तो वो चीज़ें अभी थोड़ा दूर दूर तक लग नहीं रही हैं कि पाकिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी ले पाएंगे। पर हाँ, ईरान एक हमारे पास में ऑप्शन निकल गया जो नया मेंबर के तौर पे ज्वाइन कर गया है SCO में। तो ये सिनेरियो है पूरा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द चीता मूवमेंट। देखो चीता की अगर बात करें तो 70 साल बाद में इंडिया में फिर से आया है। 1952 में एशियाटिक चीताज को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया से, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर एशियाटिक चीताज की बात करें तो वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, सिर्फ ईरान में। उनकी पॉपुलेशन भी कितनी है, लगभग 100, ठीक है। अभी जो हमने रीइंट्रोड्यूस किए हैं चीताज वो कौन से हैं, अफ्रीकन चीताज हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब कारण हमें अगर हम बात करें तो एक तो अनचेक्ड हंटिंग एंड हैबिटाट लॉस,
रहने के लिए जगह की कमी आना और साथ में बिना सोचे समझे शिकार करना, ये दो कारण इंपॉर्टेंट रहे थे जिसकी वजह से एशियाटिक चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। रीइंट्रोडक्शन कहाँ पे किया गया आपको पता है, कुनो सेंचुरी मध्य प्रदेश में, और लाया कहाँ से है, नामीबिया से 8 लाए गए हैं चीताज, और लगभग 12 के लगभग चीताज या 12 या 13 के लगभग चीताज अभी आएंगे कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो कुल मिलाकर 2021 का टारगेट है इस कुनो नेशनल पार्क सेंचुरी में चीताज को इंट्रोड्यूस करने की अगर बात करें। अब देखो बात ऐसी है कि ये जो कुनो नेशनल पार्क है ना, जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है इन चीताज को, इसका एरिया है लगभग 750 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब कंजर्वेशन जो है उनका रोल, अब कंजर्वेशन तो हमें करना है ही, हमारा टारगेट क्या है, देखो ये एक तरीके की फ्लैगशिप स्पीसीज के तौर पे कंसिडर होने वाली होती हैं ब्लैक कैट, ये जो बिग कैट्स होती हैं। इनमें क्या होता है कि आप इनको अगर प्रोटेक्शन देते हो तो इनके आसपास के इकोसिस्टम को आपको ऑटोमेटिकली मेंटेन करना पड़ेगा, तब जा करके ये सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे में ये जो कुनो नेशनल पार्क है, इसका जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन हो उसको रोकना होगा। अगर उसको रोका जाएगा तो चीताज भी सर्वाइव कर पाएंगे और वहाँ पर रहने वाली दूसरी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी सर्वाइव कर पाएगी। इस तरीके से चीता का प्रोटेक्शन क्या कर देगा, उन कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुनो नेशनल पार्क को प्रोटेक्शन देने का काम कर देगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पॉइंट क्या है कि लार्जर रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एनिमल को आपने डिसाइड कर लिया, और उस एक एनिमल को जब प्रोटेक्शन मिलने लग गई तो सारा एरिया ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाएगा। अब देखो बात ऐसी है कि ये बातें बड़ी अच्छी अच्छी हो रही हैं, बट कुछ पैसिमिस्टिक व्यूज़ भी आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव व्यूज़ भी आ रहे हैं, जिसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे यहाँ पर ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो जो स्पेस है ना वो बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड की लगभग 18% पॉपुलेशन है और 2.14 समथिंग परसेंट के लगभग हमारा ज्योग्राफिकल एरिया टोटल लैंड का अगर हम बात करें ग्लोबली, तो ऐसे में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। चाहे उसके लिए आप देखो कि ये जो वाइल्ड लाइफ्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं फिर बाद में लाइव स्टॉक पे अटैक कर लेते हैं, जैसे कि मान लो ये प्रोटेक्टेड एरिया है उसके आसपास में गांव बसे हुए हैं, तो वो गांव में जा जा करके और फिर बाद में वहाँ पर जो जानवर पाले जा रहे हैं उनको हंट करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को, रिंस को, फसल को पूरी को बर्बाद करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो ये कॉमन चीज़ है हर एक एरिया में। अब चीता की अगर बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे कि एक चीता को रोम करने के लिए 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है जनरली, और एक फीमेल अगर चीता की बात करें तो वो तो 750 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर लेती है अकेली, तो मतलब वो रोमिंग उनका इस तरीके से चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज अगर निकालें तो 7 से लेकर के 10 चीताज की कैपेबिलिटी हमें मिलेगी यहाँ पर कुनो सेंचुरी की अगर बात करें, कुनो नेशनल पार्क की अगर हम बात करें। तो पॉइंट यहाँ पर क्या रहा है कि यहाँ पर हमारे क्या इनका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म तक पॉसिबल हो पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा हर एक एरिया की देखो केयरिंग कैपेसिटी होती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो केयरिंग कैपेसिटी थी कि हाँ जी कितने एनिमल्स, कितनी वाइल्ड लाइफ वहाँ पर रह सकती है। अब अगर हम यहाँ पर चीताज के सर्वाइवल की बात करें कुनो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो यहाँ पर सीधा सीधा बताया जाता है कि कम से कम 50 चीताज होंगे ना, तब जाकर के इनका सर्वाइवल पॉसिबल होगा लॉन्ग टर्म में, और 50 के अलावा कम से कम ये 50 तक डेवलप करने में आपको टाइम लगेगा 10 से 15 साल का। अब 10 से 15 सालों के बीच में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अब इसके लिए एक तो क्या करने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर हारमनी स्टैब्लिश होनी चाहिए, एक तो वाइल्ड लाइफ जो जंगल में रहने वाली जो जानवर हैं वो, और जो लोग आसपास में रहते हैं उस जंगल के या प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास में, तो उनके बीच में एक हारमनी रहना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रेज होता रहेगा। हम कितनी बार देखते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर कई प्रोजेक्ट्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या प्रोटेक्टेड एरियाज के थ्रू। रिजल्ट क्या होता है कि एक बड़ा सा प्रोटेक्टेड एरिया और उसके बीच से आपने निकाल दी रोड, क्या हो गया जी, फ्रेगमेंट्स हो गए। अब उस फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो पहले वाइल्ड लाइफ की आदत थी कि हाँ जी इधर से इधर रोम कर सके, मूव कर सके, तो उस केस में अब यहाँ पर अगर रोड क्रॉस करनी हो गई, रेलवे ट्रैक क्रॉस करनी हो गई, तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है, कभी ट्रेन के साथ कॉलिजन के वजह से, कई बार हो जाता है इलेक्ट्रोक्यूशन, उनके करंट लग जाता है उसकी वजह से, तो ये कई प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेगमेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं डेवलपमेंट के नाम पर जो हम क्रिएट करते हैं उसकी वजह से भी, ठीक है।
तो और नई बाउंड्रीज अगर आप बनाते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि एनिमल की तो टेंडेंसी रहती है कि हाँ जी ये चाहे कितना ही बड़ा एरिया हो उसमें पूरे में रोम अगर वो करेगा, और बीच में से उसको क्या पता है कि अभी रिसेंटली एक दो साल में ही यहाँ पे रोड या रेलवे ट्रैक गिरी है, तो वहाँ पर वो तो क्रॉस करेगा, करेगा तो कॉलिजन होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो हैबिटेट लगातार डिक्लाइन करता चला जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, तो लोग बाहर निकल निकल करके और जंगल के एरिया को काट काट करके रहने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा प्रे बेस, जो शिकार चाहिए होता है जीने के लिए इन वाइल्ड लाइफ को, उसकी भी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है। तो ऐसे में एक जो इकोलॉजिकल इम्बेलेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये चीतास का जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म तक चले, इस पर डाउट्स हैं, और यही साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उनका ये पैसिमिस्टिक ओपिनियन आ भी रहा है। ठीक है, अब देखा जाए ना तो ये जो कूनो सेंचुरी या कूनो नेशनल पार्क डिसाइड हुआ था, इसके पीछे मेन तो टारगेट ये था कि जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात का, वहाँ पर जो एशियाटिक लायंस है ना उनको रिलोकेट कर दिया जाए कूनो नेशनल पार्क में ला करके। ठीक है, पर गुजरात की गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई हमारे पास में एक कहते ना कि एक हमारा प्राइड है कि एशियाटिक लायंस कहाँ पर है, गुजरात में, तो बोला हमारा टूरिज्म है, हमारा प्राइड है, हम कैसे इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं होने देंगे, हम इसको बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेंगे, हम हमारे पास में रखेंगे। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है और ये सही भी बात है कि भाई कोई भी अगर एक बीमारी अगर आउटब्रेक हो गई और गिर फॉरेस्ट में रहने वाले सभी लायंस को ये बीमारी लग गई, तो कल को ना वो सारे के सारे एक साथ अगर ख़त्म हो गए तो एशियाटिक लायंस हो जाएंगे एक्सटिंक्ट, क्योंकि इंडिया के अलावा कहीं है भी नहीं अभी। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर इनको यहाँ से निकाल कर, गिर फॉरेस्ट से निकाल कर और दूसरे फॉरेस्ट एरिया में ले जा कर के अगर सेटल कर दिया जाए तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो गिर फॉरेस्ट में जो लायंस की पॉपुलेशन राइज हो रही है उस पॉपुलेशन पे प्रेशर और उस पॉपुलेशन का उस ज्योग्राफिकल एरिया पे प्रेशर वो रिड्यूस हो पाएगा, और दूसरी चीज़ कल को ना ऐसी बीमारी कोई आ जाए जैसे कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की बात करें, ठीक है, ये मतलब ये जो होते हैं ना कार्निवोरस जो होते हैं इनमें एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे लाइंस की डेथ हुई थी रिसेंट टाइम की अगर बात करें, तो ऐसी कोई बीमारी अगर आउटब्रेक हो गई तो पूरी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देगी, तो ऐसे में ये सेटलमेंट हो जाएगा, पर वही चीज़ है माना नहीं गया। फिर उसके बाद में देखा जाए तो जो लाइंस होते हैं ना उनको भी देखो, ग्रासलैंड एंड स्क्रबी जो फॉरेस्ट एरिया होता है, मतलब घास फूस उगी हुई हो और छोटी मोटी झाड़ियाँ और इस तरीके के पेड़ पौधे और खुला मैदान टाइप प्लेसेस हो, वो देखो चीतास के लिए भी वही फेवरेबल होती है, लायंस के लिए वही फेवरेबल होती है। तो कूनो में जो रिसर्च हुई थी वो लायंस के लिए हुई थी, बट लाया क्या गया है, ला दिया क्या, चीतास को। अब पॉइंट ये है कि आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना ज़रूरी है जो हमने ऊपर डिस्कस की, और साथ में ये जो गिर फॉरेस्ट के जो लायंस है, एशियाटिक लायंस है, इनको भी देखो रिलोकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम चाहें अगर इनकी लॉन्गर सर्वाइवल की लॉन्गर सर्वाइवल हो इनका। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स हैं, यही कंटेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। अ बिग कैट मिस्टेक आर्टिकल को यहाँ लिखा है रवि चेल्लम जी ने। देखो इनका ये कहना है कि अभी ये जो प्रोग्राम डिसाइड हुआ है ना चीतास को ट्रांसलोकेट करने का, बोले इसमें पूरा जो साइंटिफिक फाउंडेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ पर राइटर वही बात बता रहे हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, इसी आर्टिकल से लिया था, क्या कि चीता है वो बहुत कम डेंसिटी वाले एरिया में रहना चाहते हैं। ठीक है, एक चीता के लिए लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए, और फीमेल रोम करते करते 750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर लेती है। तो कूनो में अगर देखा जाए तो एक तो पॉपुलेशन सर्वाइवल तक कब पहुंच पाएगी, 10 से 15 साल का टाइम लगेगा। 10 से 15 साल में आप बात कर रहे हो कि 50 के लगभग चीता आज हम वो डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में तो आप कितने इंट्रोड्यूस कर रहे हो, 21, और फिर बाद वो रिप्रोड्यूस करते 10 से 15 सालों में हो सकता है कि वो 50 तक पहुंच जाए। अब 50 तक पहुंचेंगे तो कहां पर 50 और कहां पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक को चाहिए, इसका मतलब 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपको चाहिए। प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास कितना है जी, 750, एक्यूरेटली देखें तो 748 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो यहाँ पर तो केवल 10 एडल्ट चीता जी सर्वाइव कर सकते हैं। आप जो ला रहे हो ना वही एक्सेस में होने वाले हैं। फिर ये एक्सपेक्टेशन हम करें
कि जी चीताल बहुत लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेंगे, आपने हैबिटेशन तो पहले ही छोटा कर दिया। एक फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन जो होती है ना उसका ज़्यादा सर्वाइवल रहता है अगर हम चीता की बात करें, क्योंकि आपको पता है चीता जो है उसके लिए कहा जाता है कि शुरुआती 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर ही 100 मील पर आर की स्पीड पकड़ लेता है, इतनी स्पीड से ग्रिप बनती है। उस स्पीड में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ज्योग्राफिकल एरिया कम होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो उस वजह से राइटर जो हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। फिर अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव क्या कहा गया, जो मैंने आपको बताया कि चीता को अगर प्रोटेक्शन मिलेगा तो आसपास के पूरे जंगल वाले क्षेत्र को, फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो भाई एक चीज़ बताओ ना, क्या चीताज इंट्रोड्यूस करने ज़रूरी थे क्या? आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी एनिमल्स हैं, ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उनको प्रोटेक्ट कर लोगे तो वैसे ही ज्योग्राफिकल एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया, उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, उसका कंजर्वेशन हो जाएगा। चीताज को लाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि आपके पास में ज्योग्राफिकली एरिए की कमी है। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं राइटर सीधा कि फ्लैगशिप स्पीसी तो चाहिए थी, एशियाटिक लाइन इंट्रोड्यूस कर लेते, वॉल्स आपके पास में, कार्कल्स हैं, इसके अलावा ब्लैक बक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये भी उन्हीं एरिया में रहते हैं जिन एरियाज़ में, जिस तरीके के मतलब एक तरीके फॉरेस्ट एरिया में चीता सर्वाइव करते हैं, तो आप इनको प्रोटेक्शन दे देते ना तो ऑटोमेटिकली वो इकोसिस्टम प्रोटेक्ट हो गया। अब आपने एक नई स्पीसी इंट्रोड्यूस कर दी तो वहाँ पर तो प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा राइटर सीधा एक हिट कर रहे हैं एक पॉइंट को, वो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियाज नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 2031 का डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, उसमें ग्रासलैंड एंड ओपन फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। पर सवाल क्या है कि हमारे यहाँ पर ग्रासलैंड एंड ओपन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को वेस्टलैंड एटलस में डिक्लेयर किया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेस्टलैंड डिक्लेयर करने के चक्कर में, आप जानते हो ना कि किसी भी जो मतलब आप लैंड के टुकड़े को अगर आप वेस्टलैंड में डिक्लेयर कर दोगे ना, इसका मतलब वहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी की जा सकती है। तो यहाँ पर राइटर एक तो ये पॉइंट उठाना चाह रहे हैं कि आपको प्रायोरिटी पर इंडियाज नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान रखना चाहिए था, ना कि ये जो चीताज के इंट्रोडक्शन के प्रोजेक्ट पे आपने जल्दी से काम किया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में और भी हैं। वही बात आ गई, एंडेंजर्ड स्पीसी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी प्रोटेक्शन कर लेते, इसकी प्रोटेक्शन करते तो हो जाता काम। और वही चीज़ है कि यहाँ पर एक डाइवर्जन है कि हाँ जी, जो इंडियाज नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है 2017 से 2031 का, इस पर गवर्नमेंट अटेंशन ना दे या पब्लिक अटेंशन ना दे, इसके लिए ये चीताज को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बोला अगर आपको प्रोटेक्शन देनी है ग्रासलैंड को तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ग्रासलैंड को वेस्टलैंड एटलस से हटा देना चाहिए कि हाँ जी वो वेस्टलैंड है, ख़राब ज़मीन है, नहीं, उसको आप सही से करो। फिर इसके अलावा राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि ट्रांसलोकेशन की बात करें तो ट्रांसलोकेशन तो लायंस का होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 से बोल रखा है कि हाँ भाई, गुजरात से निकाल करके उनको दूसरे एरियाज में भी लोकेट करने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे में एक तो इस बात को लेकर के रूल ऑफ लॉ का वायलेशन भी बोल रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी और गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से इसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है। देखो, जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था ना, कौन सा, अफ्रीकन चीताज को इंट्रोड्यूस करने का, लाइन वाला तो बात हो गई, एक एप्लीकेशन भी फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की गई, क्योंकि 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था, क्योंकि 2009 से चीताज को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई अभी नहीं चलेगा। फिर 2018 में एप्लीकेशन तैयार की गई जिसमें कूनो, शिवपुरी, मध्य प्रदेश में ये एरियाज आइडेंटिफाई हुए थे कि हाँ जी, यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे क्या, अफ्रीकन चीताज को। और इसके अलावा भी नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ऑप्शन भी चल रहा था, ये भी मध्य प्रदेश में है, और एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में, यहाँ पर भी ये चल रहा था कि हाँ, चीताज को यहाँ पर हम ट्रांसलोकेट करके यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। पर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को छोड़ करके कूनों पर ज़्यादा फोकस किया गया, जबकि कूनों पर मेन फोकस किसका चल रहा था, आपको पता है, लायंस का, एशियाटिक लायंस का। तो कुल मिलाकर के चीताज के रीइंट्रोडक्शन के लिए जो एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने तैयार की थी उसमें कूनो एक पार्ट था, पर फोकस की और कूनो किसके और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कूनो नेशनल पार्क को एशियाटिक लायंस के लिए भी डिमार्केट किया हुआ था। तो पॉइंट यहाँ पर ही आता है कि यहाँ पर लायंस को लाने की बात थी और चीताज के लिए तो आपके पास में दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, तो ये बोले रूल ऑफ लॉ का भी वायलेशन है, ये भी पॉइंट यहाँ पर राइटर उठा रहे हैं।
फिर कंक्लूड यही कर रहे हैं, देखो कि यहाँ पर कोई साइंटिफिक मैनर में स्टडी नहीं की गई है, और की भी गई है तो उसको इग्नोर किया गया है, क्योंकि चीतास जो हैं वो अनफेंस्ड एरिया में सर्वाइव करेंगे मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन बाउंड्री वाला एरिया है, और चीता बिल्कुल ओपन बहुत लंबे एरिया को कवर करने वाली स्पीसी है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया में कैसे इसका सर्वाइवल होता है। तो आज हमने केवल नेगेटिव पॉइंट्स देखे हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स एक्सप्लेन पेज पर ऐसे हमने देख लिए थे, कुछ एक एक दो पॉइंट्स और आप ऐड कर लेना, प्लस माइनस दोनों अच्छे से बना लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आउट ऑफ ट्यून, आर्टिकल को लिखा है अशोक गुलाटी जी ने। देखो इन्फ्लेशन को लेकर के मुद्दा है, अगस्त में 7% से ऊपर चली रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी लगभग के बेसिस पे भी अगर देखें इन्फ्लेशन तो 12.4% चल रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि अगर इस क्वार्टर में, मतलब मान लो सितंबर का अभी ये महीना चल रहा है, इसमें भी अगर 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रहती है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जी पिछले 3 क्वार्टर्स में लगातार इन्फ्लेशन जो है वो अपर बैंड जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ अपर बैंड 4 ± 2% के हिसाब से 6% और उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन रह रही है, तो क्या कारण है उसके पीछे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ये देखो नॉर्मल टाइम नहीं है, हमें भी पता है, सबसे पहली चीज़ तो कोविड का कारण, दूसरा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, और तीसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हीट वेव्स आ रही हैं, ग्लोबल कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही है, सप्लाई चेन डिसरप्शन में चल रही है। तो ये 3 कारण जो है ना, इसकी वजह से बहुत बुरे हाल हैं। अगर हम इंडिया की इन्फ्लेशन और इंटरनेशनली दूसरी इकोनॉमीज की इन्फ्लेशन की बात करें और ग्रोथ रेट की बात भी करें, तो इंडिया आपको सही परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। कैसे? यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन 8 से 12% की रेंज में चल रही है, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट वहाँ पर बहुत ही कम है। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया जो है इनके कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा टर्की ले लो, इन्फ्लेशन 80%, पाकिस्तान 27%, श्रीलंका 64%। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ, अभी करंट जो गवर्नमेंट चल रही है या करंट जो टाइम है, इसको हम प्रीवियस टाइम से कंपेयर करें, 2004-05 से लेकर 2013-14 के बीच में देखें तो इन्फ्लेशन थी 7.9%, और अगर हम 2014-15 से 2022-23 के बीच में अगर देखें तो इन्फ्लेशन थी 5.1%। सवाल यह है कि साथ साथ में हमें यह भी देखना है प्रीवियस गवर्नमेंट से जो कंपैरिजन हो रहा है उसमें, कि ग्रोथ रेट क्या थी, ग्रोथ रेट कितनी थी जीडीपी की 2004-05 से लेकर के 2013-14 में 7.7%, और इन्फ्लेशन कितनी थी 7.9% ज़्यादा थी। इसके अलावा जीडीपी, अब इन्फ्लेशन की बात करें 14-15 से 22-23 के बीच में, तो भाई इसके बीच में इन्फ्लेशन आपको मिलेगी 5.1%, पर वही बात है, ग्रोथ रेट भी 5.6% थी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है करंट, वो प्रीवियस जो भी हमारा एक्सपीरियंस है 2004 से लेकर अभी तक, या इंटरनेशनली कंटेम्प्रेरी या फिर करंट टाइम पे जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है उससे देखें तो परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अब देखो ये तो हमें पता ही है कि आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 ± 2% का टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे भी करके इसी रेंज में 2 से 6% के बीच में ही आपको इन्फ्लेशन मैनेज करके रखनी है। और जिस तरीके से हम अगस्त मंथ में देख चुके हैं कि हाँ भाई इन्फ्लेशन जो है वो 7% से भी ऊपर है, तो इसका असर देखो जीडीपी ग्रोथ पे भी आता है। सीधी सी बात है, महंगाई अगर बढ़ गई तो फिर क्या होगा, हम पैसे को जल्द सही तरीके से इफेक्टिव मैनर में खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हीं के अगर भाव बढ़ गए तो हम खरीदने में पैसा तो ज़्यादा खर्च करने लग गए, नो डाउट, पर जीडीपी का मतलब तो क्या होता है कि कितने नए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए एक फाइनेंशियल ईयर में, है ना। अब वो नए कहाँ से प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास में पैसा जो है पहले 100 रुपये में काम होता था वो अब 150 रुपये में काम हो रहा है, तो अब नया काम कहाँ से हो पाएगा जब हम डिमांड ही क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 50 रुपये एक्स्ट्रा तो आ गए 100 की बजाय, पर वो 50 रुपये कोई प्रोडक्टिविटी में थोड़े ना गए, वो पहले जो काम था उसी में ख़त्म हो गए वो 50 रुपये, इसलिए जीडीपी पर भी इसका असर आएगा। अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। तो देखो रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई थी आईक्रायर के द्वारा, टेमिंग इन्फ्लेशन, और उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कहा गया कि भी बात ऐसी है कि केवल मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस में हम इन्फ्लेशन को टैकल करें ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए ये एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स मैटर है और इसको टैकल करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज को साथ में आना ज़रूरी है।
देखो जो हम इन्फ्लेशन देखते हैं ना वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे देखते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो बास्केट यूज की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज दिया हुआ है फूड एंड बेवरेजेस को 45.86%। तो सवाल ये आता है कि फूड एंड बेवरेजेस को हमें बहुत, इसकी महंगाई को हमें टैकल करना जरूरी है, और फूड इन्फ्लेशन ही आपको पता है इस टाइम पे ज्यादा चल रही है, इसी की वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन ज्यादा बन रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, फूड एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, इन सब का एक साथ कॉम्बिनेशन में काम करना जरूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना आता है, एक अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर मानो आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको पौने लगभग 2.5 रुपए के लगभग आपको रिटर्न देने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया रहता है। तो इन सारी चीजों पर एक साथ प्लान करना, एक साथ का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन में प्लान करना जरूरी है। जैसे एक सिंपल सी बात बताई जाए, ट्रेड की हम बात करें, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए हमने क्या किया, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, ग्लोबली एनर्जी क्राइसिस आने लग गए, तो हमने रशिया से बातचीत की और तेल खरीदना शुरू कर दिया, और इससे हमने हमारी इन्फ्लेशन को बहुत हद तक टैकल कर लिया। नहीं तो जो तेल आज हमें, पेट्रोल की बात करें, हर एक स्टेट की बात करें, 100 रुपए के लगभग लीटर में मिल रहा है, वो हो सकता था 150 रुपए तक पहुंच जाता, पर हमने कंसेशन पे खरीदा तो फायदा हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट का साफ साफ कहना है कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और इसमें अलग अलग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का एक साथ काम करना जरूरी है। ठीक है, अब सवाल यह है कि काम कैसे किया जाए, वो तो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। खैर, इकोनॉमिस्ट का क्या क्या राय है वो देखते हैं। एक तो शंकराचार्य, ठीक है, जो कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं पिछली सरकारों में, 3 गवर्नमेंट्स के लिए वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का काम कर चुके हैं। उनका एक तो ये कहना है कि देखो फिस्कल डेफिसिट अभी देखा जाए ना तो जीडीपी के 10% से ज्यादा चल रहा है, सेंटर और स्टेट्स सबको मिलाकर के जितनी हमारे देश की जीडीपी है उसका 10% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है। बोले इसको कम करो, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सरकार के पास में फिस्कल डेफिसिट, दैट मींस कमाई से ज्यादा खर्चा, खर्चा अगर ज्यादा है तो आप इसका मतलब कर्जा लेकर के खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब सरकार पे लोन का कर्जा आ रहा है, और लोन अगर है तो सरकार ज्यादा काम अच्छे से कर ही नहीं पाएगी। क्यों? लोन का फिर प्रिंसिपल भी रिटर्न करना पड़ता है, और ब्याज भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो बोले इसको कंट्रोल लेकर क्या हो, नहीं तो क्या होगा, हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, मॉनिटरी पॉलिसी के हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं अगर फिस्कल पॉलिसी अगर आपकी बैलेंस नहीं चलेगी। तो सबसे पहला काम तो ये कहा गया है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरे एक्सपर्ट्स की बात करें, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन जी, ये भी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से इंटरनेशनली हम ट्रेंड देख रहे हैं कोविड के बाद में, उसमें जीडीपी ग्रोथ को जिस तरीके से इंडिया ने इन्फ्लेशन को मैनेज करते हुए इंश्योर किया है, वो अपने आप में बहुत ही सही तरीका है जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके लिए। कैसे? देखो, इंडिया ने कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए बिल्कुल एक्सेसिव स्टिमुलस नहीं दिया। जैसे आपने देखा था ना कि यूएसए में पैसा लोगों के अकाउंट में या लोगों को ऐसे ही दिया जा रहा है कि हाँ पैसा खर्च करो कैसे भी करके, ठीक है, अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने की बात कर दी इस तरीके से। बोले इंडिया में ऐसा नहीं हुआ ना, इसका रिजल्ट यह है कि आज हमारी इन्फ्लेशन 7% के लगभग ही फंसी हुई है। अगर कोविड के बाद में जो एक बार रुकावट आई थी इकोनॉमी में, उस टाइम पर गवर्नमेंट जबरदस्त तरीके से पैसा ज्यादा खर्च कर देती तो प्रॉब्लम हो सकती थी, पर इंडिया ने बहुत सोच समझ करके काम किया। ज्यादा फोकस गवर्नमेंट ने किस पे किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर क्या रहा है, 1 रुपए पे 2.45 रुपए का रिटर्न आता है। तो कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, और गवर्नमेंट ने 2022-23 का जो बजट दिया है 2022 में, जो उसमें भी ये कहा कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बजाय कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसका रिजल्ट ये है कि जीडीपी में हमें बेनिफिट भी मिल रहा है और इन्फ्लेशन भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। नहीं तो क्या होता, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता, अगर अनलिमिटेड मैनर में होना तो चाहिए, पर अनलिमिटेड मैनर में अगर वो पैसा चला जाता, कहा गया था बहुतों के द्वारा कि हाँ जी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, हमने खुद ने इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन पढ़ा था कि अकाउंट में पैसा, तो अगर वो कर दिया जाता तो अब तक हालत हो जाती खराब। जो चल रही है ना इन्फ्लेशन पाकिस्तान श्रीलंका 27% 64% हाल हो जाते वैसे हमारे। तो ऐसी परिस्थितियों में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंपॉर्टेंट रोल हो गया। अब देखो बात ऐसी है कि क्या 4% का जो मेन है, देखो 4 ± 2 है ना, वो 6% तो मैक्सिमम है, 2% मिनिमम है, बट एक्चुअल में चाहिए कितनी इन्फ्लेशन है, 4%,
4% हम अचीव कर पाएंगे और 7% की ग्रोथ रेट के साथ में, देखो इसके लिए मुश्किलें हैं, नो डाउट, ठीक है, पर वही चीज़ है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि ग्रोथ रेट भी इंश्योर हो और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो। तो पहला तो बोल रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी है ना, उसको ठीक करना ज़रूरी है, जिसमें हम जो फ्रीबीज दे रहे हैं उन फ्रीबीज को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, फ्रीबीज की बजाय हम रूरल एरियाज में इन्वेस्टमेंट कराएं, जॉब क्रिएट की जाए प्रोडक्टिव मैनर में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बना दो, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल्स बना दो, इस तरीके से डेवलप किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की इंश्योर कर दो, वाटर सप्लाई को इंश्योर कर दो, वो सारी चीज़ें की जाए, कॉम्पिटिटिवनेस ना ली जाए एग्रीकल्चर में, और उसके लिए क्या किया जाए कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, भाई सीधी सी बात है, कंसोलिडेशन करवा दिया जाए खेतों का जो टुकड़ों में हुए हुए हैं, और जिन लोगों को आप जॉब दे करके नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपाई कर सकते हो उनको उधर स्विच करवाओ। इसके अलावा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो प्रमोट की जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप प्रोसेस करके फिर बाद में उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनवा दो, एमएसएमई सेक्टर का रोल अपने आप में बन जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे कि कम से कम पानी और क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंश्योर हो, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है, सप्लाई चेन हमें प्रॉपर करने की ज़रूरत है और फूड सप्लाई इंश्योर करने की ज़रूरत है। अब देखो जब खेतों में जो भी उपज रहा है उसको शहरों तक पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, और वही तो मेन कारण है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन का, फूड इन्फ्लेशन ही तो कारण हो रही है ना। तो फूड इन्फ्लेशन को टैकल करो, कैसे भी करके हमें फूड सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाना है। आ जाओ फिर इसके बाद में कि जो गाँवों में फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है वो अगर अभी देखें तो लगभग 5 ट्रिलियन रुपीज से भी ज़्यादा होने वाली है। तो सवाल क्या आ रहा है यहाँ पर कि हमें इसको थोड़ा सा रैशनल करने की ज़रूरत है, जो सब्सिडीज दी जा रही है ना उनको भी रैशनल करने की ज़रूरत है। फिर देखी जाए बात कि देखो फूड एंड बेवरेजेस को जो हमने वेटेज दिया हुआ है मोर देन 45% इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट, तो उसको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत, और ये चीज़ कब के बेस्ड है, 2011-12 का सर्वे किया हुआ है, तो 2011-12 कहाँ 22 में चल रहे हो, अर्जेंट रिविजन की ज़रूरत है, सर्वे करवाओ फिर से कंजम्पशन का और उसके हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट को रिफॉर्म्स लेकर के आओ। अब सवाल यह है कि देखो इस साल की हम बात करें तो इन्फ्लेशन 6% के लगभग रहे और ग्रोथ रेट 7% के लगभग रहे, ऐसा ही कुछ लग रहा है, 6 से तो ज़्यादा रहने के चांसेज हैं। बाकी ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पब्लिक पॉलिसी, इन सब के बीच में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जा करके इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी अकेली क्या कर सकती है भाई, आज हम रशिया वाला जो एग्जांपल हमने पिक किया वो क्या शो करता है कि आपने ट्रेड पॉलिसी ऐसी बनाई जिससे कि वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के बावजूद भी आपने रशिया से कंसेशनल रेट्स पे आपने क्रूड ऑयल खरीदा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है। अब यहाँ पर अकेली मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर सकती थी, तो इस तरीके से हमें काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो देखो अगर इन्फ्लेशन राइज होती है तो उसका डेंट हमें हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट पे देखने को मिलेगा। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि जी 100 रुपये में जो काम होता है वही काम आज 150 रुपये में हो रहा है, दिखने को तो हमें लगता है कि 50 रुपये ज़्यादा घूम रहे हैं मार्केट में, पर सच बात तो ये है ना कि काम तो उतना ही हो रहा है जो पहले हो रहा था। क्या नए गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए, नो, अगर आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली तो 100 रुपये की बजाय 150 रुपये में काम क्या होगा, आपको पहले के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज़्यादा सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है जी, डिस्कशन यहीं ख़त्म है, थैंक यू वेरी मच।